अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप वालेकुम लोग? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या, आप कैसे? जो आप लोगों ने डेट शीट देखी है किसी का, मेरे कोर्स के साथ कोई क्लैश तो नहीं है? नो मैम। अच्छा, गुड, अच्छी बात है। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 19th लेक्चर, एंड टुडेज टॉपिक इज बेसिकली द कंटिन्यूटी ऑफ द लास्ट लेक्चर। इट इज अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड इंपॉर्टेंट जीन्स ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, लास्ट लेक्चर रिवाइज किया था, चलो अभी पूछते हैं। So contents of the lecture which we are going to cover today includes the activation of VEGF in different diseases, including ischemic heart disease, atherosclerosis, and cancer. ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने जनरल ओवरव्यू पढ़ा था कि VEGF क्या है, उसका रोल क्या है, उसके फिगर्स क्या है, और आज जो है हम ये देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिजीज में एक्सप्रेस होता है और एक्टिवेट होता है। ऑब्जेक्टिव्स is to understand the role of blood vessels in different diseases. All right, so to start with, what is the full form of VEGF? मैम वेस्कुलर वैस्कुलर एंडोथेलियल एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। All right. And now, what is the role of VEGF? वैस्कुलोजेनेसिस करवाते हैं, एंजियोजेनेसिस करवाते हैं, माइग्रेशन, सेल माइग्रेशन और एपोप्टोसिस को भी प्रमोट करते हैं। तो बेसिक रोल अगर मैं बात करूँ VEGF की, तो वो ये है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, और फिर इसके साथ साथ ये सेल माइग्रेशन, परमिएबिलिटी और एंजियोजेनेसिस में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द ट्रिगर्स ऑफ VEGF? हाइपोक्सिया, इंटरल्यूकिंस, हाइपोक्सिया, TGF2, TGFB, बीटा स्टिमुलेशन करवाता है ग्रोथ फैक्टर की, टी सेल्स की रेगुलेशन करवाता है। वेरी गुड, सो हाइपोक्सिया क्या होता है लीजा? मैम ये उसमें TGF में होता है। हाइपोक्सिया, व्हाट इज हाइपोक्सिया? लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन, यस मैम। तो लो ऑक्सीजन लेवल्स, जिसको हम, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाए तो हम उसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और हाइपोक्सिया जो है वो एक ट्रिगर है जिससे VEGF का एक्सप्रेशन होता है। सो दीज आर द ट्रिगर्स ऑफ VEGF। हाइपोक्सिया है स्टिमुलेशन विद द ग्रोथ फैक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, TGF अल्फा एंड बीटा एंड इंटरल्यूकिंस। All right, so what is the mechanism by which VEGF activates? So oxygen deprived cells increases their production of VEGFA, and VEGFA leads to the new blood vessels formation from the pre-existing vessels, and then this VEGF binds with the receptors VEGFR1 and R2, and which results in the cell proliferation, migration, and the formation of tubular structures. So, अगर हम इसको वन लाइन में देखें कि इसका मैकेनिज्म क्या है, होता यह है कि जब हाइपोक्सिया हो या लो ऑक्सीजन लेवल्स हो, इट विल एक्टिवेट द VEGF, इट विल कंबाइन और बाइंड विद द VEGFR व्हिच इज द रिसेप्टर, और फिर ये आगे जाके बॉडी में रोल प्ले करेगा, जैसे कि माइग्रेशन होगी, प्रोलिफरेशन, formation of the tubular structure.
So this is the mechanism of VEGFA activation. और आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रिगर है वो क्या है, ऑक्सीजन डिप्राइव सेल्स या हाइपोक्सिक स्टेट. Now let's talk about the activation of VEGF in different diseases. We are going to start with the myocardial ischemia. So before we start, what is myocardial ischemia? Myocardial ischemia क्या होता है हफ्सा? क्या समझा? VEGF क्या करता है? Angiogenesis और vascular genesis करता है ना, vascular फॉर्मेशन या वेसल फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है. प्रोलिफरेशन करता है, सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, सेल माइग्रेशन में भी हेल्प करता है. हार्ट में ऑक्सीजन. जी मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है? रवान हार्ट ब्लड फ्लो करवाता है. रवान मैम, मायोकार्डियल इस्कीमिया हम लोगों के हार्ट पे ब्लड फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे हार्ट को. बिल्कुल. क्या होता है? सो बेसिकली मायोकार्डियल इस्कीमिया में ये होता है कि जो आपके वेजल्स हैं उनमें या तो कंप्लीट या पार्शियल ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं और जो स्पेशली जो ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट वो कम हो जाते हैं. ठीक है. सो मायोकार्डियल इस्कीमिया अकर्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी बाय अ बिल्डअप ऑफ प्लेक्स और एथेरोस्क्लेरोसिस. ये इस्कीमिक डिजीजेस होते हैं जिसमें अगर आप देखें तो इसमें हो ये रहा है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहा है और ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं. जब ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे तो VEGFA का एक्सप्रेशन होगा. सो एक्सप्रेशन ऑफ VEGFA हैज बीन फाउंड टू बी इंड्यूस्ड बाय द मायोकार्डियल इस्कीमिया रिजल्टिंग इन अ बेटर इक्विलेटरल सर्कुलेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग इस्कीमिया. तो जब मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से VEGFA का एक्सप्रेशन होगा तो VEGFA जो है वो कोलेट्रल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा. कोलेट्रल सर्कुलेशन इज बेसिकली एन अल्टरनेट सर्कुलेशन क्योंकि VEGFA वैस्कुलर फॉर्मेशन करवाता है. सो कोलेट्रल सर्कुलेशन इज एन अल्टरनेट सर्कुलेशन अराउंड अ ब्लॉक आर्टरी और अ वेन सच एज नियर बाय माइनर वेसल्स. सो बेसिकली VEGFA जो है वो न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन करेगा जिसकी वजह से वो एक ऑल्टरनेट रूट देगा ताकि ब्लड फ्लो हो. सो ये रोल है VEGFA का मायोकार्डियल इस्कीमिया. बिल्कुल ठीक है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी बॉडी जो है ना वो अडेप्ट करती है. सबसे पहले हमारी बॉडी का जो कोई भी चेंज होता है हमारी बॉडी अडेप्ट करने की कोशिश करती है. ठीक है. तो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसमें हमारी बॉडी जो है क्योंकि हमारी अगर किसी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो रही है हमारी बॉडी जो है VEGFA का एक्सप्रेशन ज़्यादा करना शुरू कर देगी और इस तरह से आपको एक ऑल्टरनेट रूट्स मिलेंगे या ऑल्टरनेट सर्कुलेटरी वेसल फॉर्मेशन. ठीक है. सो दैट इज हाउ VEGFA इज एक्टिवेटेड इन मायोकार्डियल इस्कीमिया. इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस होते क्या हैं? दे इन द इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस blood flow to the muscle cells of the heart is either partially or completely reduced leading to the cell death and scar tissue formation. And the reason is muscle cells are replaced with the fibrous tissue and heart loses its ability to contract compromising the heart function. So basically jo heart muscles hain wo block ho jate hain fibrous tissue formation ki wajah se aur unki contraction nahi hoti aur uske wajah se blood flow nahi. Now let's talk about the role of VEGFA in atherosclerosis. अब atherosclerosis में जो triggers हैं वो है hypoxia and inflammation दोनों. ठीक है. So hypoxia and inflammation in the atherosclerotic plaque triggers the VEGFA expression in the vascular smooth muscle cells and macrophages
VEGFA in return promotes the angiogenesis, and this leads to the hemorrhage and promotes the migration of the vascular smooth muscle cells into the flap. ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी रोल स्टडी किया था कि VEGFA जो है वो सेल माइग्रेशन में रोल प्ले करता है. तो बिकॉज ऑफ इट दिस प्रॉपर्टी ये एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लाक फॉर्मेशन को प्रमोट करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है. सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस में ट्रिगर्स क्या है जिसकी वजह से VEGFA जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है. इस पिक्चर में जो है ये एक्सप्लेन हुआ है, प्लाक फॉर्मेशन एक्सप्लेन हुई है. सो इन्फ्लेमेशन इन एडिशन टू द हाइपोक्सिया लीड्स टू एन एक्सप्रेशन ऑफ VEGFA, एंड दिस VEGFA प्रमोट्स द एंजियोजेनेसिस इन हेमरेज एंड आल्सो प्रमोट्स द वैस्कुलर स्मूथ मसल माइग्रेशन. VEGFA का एक्सप्रेशन डिटेक्ट हो सकता है कि आपकी बॉडी में अगर एक्सेसिव एक्सप्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो बात ये है कि ये सब रिसर्च बेस्ड स्टडीज हैं. ठीक है, इसमें बेसिकली हम मैकेनिज्म देख रहे हैं कि VEGFA क्योंकि जीन की बेसिस के ऊपर इसका एक्सप्रेशन है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर VEGFA जीन्स जो हैं वो ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रहा है, तो वो डिटेक्ट हो सकता है. और बॉडी जो है मैं आपको ये बता रही हूँ इनिशियली जो है वो अडेप्ट करने की कोशिश करती है एक्सट्रीम केसेस में जाके हार्ट अटैक और वो सारे प्रॉब्लम और एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक फॉर्मेशन के, और बिल्कुल एंड पे जाके जब बॉडी से नहीं कुछ हो रहा होता ना तो फिर आपको एक्चुअल वो डिजीज और सिम्टम्स नजर आते हैं. ठीक है, आपने मुझसे पूछा था वो जो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं उनके हाइपोक्सिया के कम, तो जो हिली एरियाज में रहते हैं उनके नेचुरली रेड ब्लड सेल्स के काउंट ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो वो बॉडी का मैकेनिज्म है, अडैप्टिव मैकेनिज्म है. ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस इफ टू VEGF मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर. सो इफ टू VEGF मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ डाइमर. अब डाइमर क्या होता है, व्हाट इज डाइमर, ये पहले भी पढ़ा था आप लोगों ने, थायमिन डाइमर्स पढ़े थे. जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है हम उसे डाइमर कहते हैं, डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं, डाइमराइजेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो VEGF मॉलिक्यूल्स में भी डाइमर फॉर्मेशन जो है वो कॉमन है, हम इसको डाइमराइजेशन कहते हैं. So when two molecules of VEGF combine together, they form a dimer. And after dimerization, a phosphate group is added to certain tyrosines within a molecule in a process known as autophosphorylation. So जब दो VEGF molecules combine करेंगे, वो dimerization start करेंगे और dimerization से autophosphorylation start होगा. Autophosphorylation का meaning ये है कि phosphate group जो है वो add हो रहा है. जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा इट विल अलाउ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टू कम विद इन द सेल टू बाइंड टू द रिसेप्टर एंड बिकम एक्टिवेटेड. सो डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं ऑटोफॉस्फोराइजेशन से. अब वो कौन कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, इट इंक्लूड्स VEGF रिसेप्टर एक्टिवेटेड प्रोटीन्स, PLC गामा एंड NCK व्हिच इज साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन. ये थ्री डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं जो कि आगे आगे फर्दर रोल प्ले करते हैं सेल माइग्रेशन प्रोलिफरेशन वगैरह. ठीक है, लेकिन ये बेसिकली मैकेनिज्म एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि डाइमराइजेशन से ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी, ऑटोफॉस्फोराइलेशन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होंगे और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फिर आगे जाके सेल प्रोलिफरेशन, परमेबिलिटी, सेल सर्वाइवल और सेल माइग्रेशन में रोल प्ले करेंगे. इसको अगर हम समराइज करें तो ये आगे इस पिक्चर में एक्सप्लेन होता है. ये आप देख सकते हैं कि दो VEGF मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन करेंगे, डाइमर फॉर्म करेंगे, देन ऑटोफॉस्फोराइलेशन स्टार्ट्स. तो ये जो काइनेज डोमेन के ग्रुप्स हैं उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ये फंक्शन या रोल परफॉर्म करेंगे. तो इसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि दो VEGF मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं स्टार्ट में,
ठीक है, इसके बाद फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसके बाद यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं और यहाँ पे फिर वो रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम आपको ये रोल्स जो है ना ये अब फिंगर टिप्स पे याद हो जाने चाहिए कि VEGF कर क्या रहा है। सही है, नाउ लेट्स डिस्कस द रोल ऑफ VEGF इन कैंसर। VEGF इज अ की मीडिएटर ऑफ एंजियोजेनेसिस इन कैंसर। Cancer cells secrete the VEGF, they activate the VEGFR2 pathway and then it promotes the cancer related angiogenesis. So when we know this mechanism ke kaise VEGF activate hota hai aur kaise wo phir aake angiogenesis cancer related angiogenesis ko promote karta hai, to isse relevant treatment jo hai wo suggest kiya gaya hai ki if tyrosine kinase inhibitor drugs are provided or given to the cancer patients, they will inhibit the function of VEGFR2, which is to promote the cancer-related angiogenesis. So, the cancer-related angiogenesis है, हम उसको inhibit कर सकते हैं अगर हम tyrosine kinase inhibitor drugs जो है वो दे रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं, tyrosine kinase inhibitor drugs कैसे effective हैं? tyrosine kinase जो है वो आगे activate नहीं होगी। very good सवेरा। so अगर हम इसको यहाँ पे देखें, इस level के ऊपर ये जो kinase हैं, अगर हम इनको inhibit करना शुरू कर दें तो signaling molecules नहीं बनेंगे और फिर वो आगे जाके role play नहीं करेंगे जो कि angiogenesis या cancer related angiogenesis को promote करें। ठीक है, तो इसलिए mechanisms जो हैं वो important हैं और आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर हम मैकेनिज्म समझ आते तो डेफिनेटली हम ट्रीटमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो इसलिए कैंसर में जो है VEGF का ये रोल है कि अगर हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ड्रग्स दे रहे हैं तो वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को इनहिबिट करेंगे और कैंसर रिलेटेड एंजियोजेनेसिस नहीं। नाउ दिस इज अ रेफरेंस ऑफ द आर्टिकल जिसमें ये पूरा ही एक्सपेरिमेंट हुआ हुआ है, जो स्पेशली जो रोल है VEGFR2 का और वो स्टडी किया हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर में इसका रोल स्टडी किया हुआ है और जो उसका वो कंक्लूजन था वो लास्ट स्लाइड में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्योंकि VEGFR2 बेसिकली कैंसर रिलेटेड एंजियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है और अगर हम ऐसी कोई ड्रग ले रहे हैं जिसमें हम VEGFR2 के फंक्शन को जो है वो कम करें तो उससे हम कैंसर रिलेटेड एंजियोजेनेसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। So that's it for today's lecture. Any questions? समझ आई है? चलो